हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, और जो कि रहना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, टेस्टी, फ्लेवरफुल और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी। और अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो यकीन जाने आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो चिकन। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस और विथ बोन दोनों ही लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और इसके पीसेस मैंने थोड़े से बड़े बड़े रखे हैं। इसको अच्छी तरह से क्लीन करके, इसको वॉश करके रखा है 3-4 बार पानी से। और अब इसको हम कर लेंगे मैरिनेट। तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून भर के थिक कर्ड, यानी कि गाढ़ा दही हमको इसमें डालना है, पतला नहीं डालना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये जो टिक्का होता है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के टिक्का मसाला, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और इंशाल्लाह मैं जल्दी इसकी भी रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर, और इससे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 नींबू का रस, और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे ऑयल। और मैंने इसमें डाला है 1.5 टीस्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें अच्छा सा कलर आने के लिए, टिक्का का कलर आने के लिए, मैंने इसमें 1 पिंच जो है तंदूरी कलर डाला है, आप चाहें तो रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। इसके बाद में हम इसको अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखना है, ताकि जो चिकन के जो पीसेस है इसमें मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसको मिक्स करके हमने कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए रख रहा है मैरिनेट होने के लिए, आप चाहें तो उसको फुल नाइट भी रख सकते हैं, जिससे कि इसमें और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें रखा है फॉइल पेपर, और उस पर मैंने रख दिया है एक जलता हुआ अंगारा, आप चाहे तो छोटी सी स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। और उस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद में हम इसका ढक्कन जो है फौरन ही बंद कर देंगे, ताकि इसमें अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, और ये ठंडी का प्याज है तो मैंने इसको 1 किलो लिया है। अगर गर्मी का सूखा वाला प्याज होता है तो आप 800 ग्राम भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है, और प्याज फ्राई करने के लिए अभी हमें कभी भी ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है, वरना प्याज जो है वो क्रिस्पी नहीं होती है। तो मैंने 1 लीटर ऑयल लिया है, और जैसे ऑयल अच्छी तरह से पूरा गर्म हो गया तो मैंने सारा प्याज जो है वो इसमें डाल दिया। आप चाहें तो कम तेल में भी थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर सकते हैं। और प्याज को जल्दी से फ्राई होने के लिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है नमक डाला है, ताकि प्याज हमारी जल्दी से फ्राई हो जाए। चलिए, तो साइड बाय साइड हम दूसरा काम भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो बासमती चावल को 3-4 बार अच्छे तरह से धो के इसको भिगा के रख दिया है। आप चाहें तो चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमारा जो मसाला है चिकन है, इसमें स्मोकी फ्लेवर आ चुका है अच्छे से। अब हम इसमें से कोयला और जो सिल्वर फॉइल है उसको निकाल लेंगे, और इसको भी हम फ्राई करने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम उसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही हमने ये चिकन को फ्राई कर लेना है 1-1 पीस डाल के। और इसको इतना फ्राई करना है कि इस पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाए, इतना हमको इसको फ्राई करना है। और जैसे ही एक साइड में फ्राई हो जाएगा हम इसको पलट देंगे, और दूसरे साइड में भी हम इसको इसी तरह से सेक लेंगे। और साइड में आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमारी फ्राई हो रही है, तो हमारा काम जो है जो ऐसा फटाफट जल्दी से हो जाता है। चलिए, अब ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास में बड़ा पैन है तो आप एक साथ में भी फ्राई कर सकते हैं। और ये जो तेल आप देख रहे हैं फ्राई करने के बाद में जो बचेगा, तो हम इसको बाद में अपनी बिरयानी में ही यूज़ करने वाले हैं, ताकि इसका फ्लेवर भी हमारे जो है खाने में बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे देखिए, हमारी जो प्याज है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे पूरा ऑयल जो है इसका, पूरा स्क्वीज़ करके पूरी प्याज हम निकाल लेंगे। और ये जो ऑयल बचेगा इसको आप रख लीजिए, आप खाने में यूज़ कर सकते हैं वापस से। चलिए, अब सेम कढ़ाई में मैंने, और जो हमने ऑयल जो हमारा बचा था प्याज का, उसी पे से मैंने
थोड़ा एक कप के जितना ऑयल लिया है उसमें मैंने डाला है दो तेज़पत्ते और दो टुकड़े दालचीनी के, एक बड़ी इलायची, चार पांच हरी इलायची, चार पांच मैंने लौंग डाली है और उतने ही मैंने स्टार फूल के टुकड़े डाले हैं पेटल्स, और 10 से 12 मैंने काली मिर्चें डाली हैं। और जैसे उसका अरोमा रिलीज़ हो जाएगा तेल में तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म ना हो जाए, इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, तकरीबन 350 से 400 ग्राम के करीब। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक मसाले में डाला हुआ है चिकन में, तो इसके लिए हमने इसमें 1 चम्मच ही नमक डाला है जो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे अगर कम ज़्यादा होगा तो। चलिए अब हम ढक्कन बंद करेंगे और टमाटर को गलने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे देखिए हमारा बॉल जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसी में हम बाकी के मसाले भी सारे मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है 180 ग्राम के करीब दही, क्योंकि ये डब्बे में 150 ग्राम आता है, मैंने इसमें और भी डाला था ऊपर से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है जो कि मेरा घर का बनाया हुआ है। और ये सब डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो बिरयानी है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बहुत टेस्टी बनती है, तो मसाले वगैरह डालना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे से। चलिए अब हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, मैश कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारा मसाला, और ये बॉल में हमने स्मोकी फ्लेवर दिया था तो मसाले में भी थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है स्मोक का। मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बॉल में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बॉल को पूरा अच्छे से चारों तरफ से पूरा जो मसाला लेके वो भी हम इसमें डाल देंगे, जो पानी है उसको भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। वापस से हम बंद करके रख देंगे भूनने के लिए। और चलिए अब हम देख लेंगे कि हमारी 1 किलो प्याज में कितनी प्याज निकली है फ्राई होने के बाद में। तो मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ, वो इसलिए कि अगर आपका भी रेडीमेड प्याज यूज़ करें तो आपको पता चल सके कि 1 किलो में कितनी प्याज आती है। तो देखिए ये 1 कप भर के और 1 से हल्का स्लाइटली कम इतने प्याज निकली है, क्योंकि ये सर्दियों की प्याज थी, अगर गर्मियों की प्याज होती तो पूरे 2 कप भर के निकलती। चलिए अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, मैंने इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भूना है। अब जो हमारी प्याज है उसमें से मैंने 3/4 जो है पार्ट उसका मैंने मसाले में डाल दिया, यानी कि पौना हिस्सा मैंने डाल दिया है, पाव हिस्सा मैंने जो है उठा लिया है। चलिए प्याज हमारी जो है इसका फ्लेवर भी मसाले में अच्छे से आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, ताकि सारे फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाएँ। और इसमें बहुत अच्छे से टेस्ट के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ टमेटो सॉस, जो कि मैंने 4 टेबल स्पून भर के डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा फ्राई किया हुआ चिकन। अगर आपको ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो आप पूरा मसाला जब रेडी हो जाए उसके बाद में आप इसमें स्मोक दे सकते हैं, तो पूरे मसाले में बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। देखिए इस तरह से अच्छे से मिला लेना। और इसमें हमने पकाने के टाइम पर तकरीबन 1 कप के करीब पानी डालना है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई, और इसको फिर बंद करके हम पकने के लिए रख देंगे। और साइड बाय साइड यहाँ पे मैंने रखा है चावल उबालने के लिए पानी, तो मैंने यहाँ पे एक बड़े से टोप में 5 लीटर पानी लिया है, इसमें 2-3 तेज़पत्ते, 2-3 दालचीनी के टुकड़े और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, हरी इलायची और 1/2 बड़ी इलायची डाली है। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक, तो मैंने यहाँ पर 5 टीस्पून भर के नमक डाला है, जो कि जब हम पानी निकालेंगे चावल में से तो वो एक्स्ट्रा नमक निकल जाएगा। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लेमन जूस और ढक्कन बंद करके हम पानी को बॉईल आने देंगे। और यहाँ पे देखिए जो चावलों का पानी बॉईल हो चुका है, तो हमने इसमें डाल दिया हमारा चावल जिसको हमने ऑलरेडी धो के रखा था। तो बासमती चावल को पहले से भिगाना बहुत ज़रूरी होता है, तकरीबन 1/2 से 1 घंटे पहले इसको बंद करके हम इसको पकने के लिए रखेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हरा धनिया और पुदीना डाल दिया है, ताकि अच्छे से इसमें खुशबू आ जाए। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि जो चावल है आपस में चिपकने ना पाए, और चावल को हमने 90% से 90% तक कुक कर लेना है। तो चलिए हमारे चावल जो है बिरयानी के तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको एक जाली में स्ट्रेन कर लेंगे
और मैंने उसी टोप में जिसमें चावल उबाला था उसको उसमें हम असेंबलिंग करेंगे। तो उसी टोप में मैंने पहले थोड़ा सा नीचे चावल डाल दिया है, क्योंकि इनकेस अगर हमारा मसाला वगैरह थोड़ा सा नीचे से अगर लग भी जाता है तो वो सेफ़ रहेगा चावलों की वजह से। अब इसमें हम डाल देंगे मसाला, तो हम पहले इसमें आधा मसाला डालेंगे, चारों तरफ अच्छी तरह से फैला के इसको हम डाल देंगे। और हम आज जो बना रहे हैं वो डबल लेयर की बिरयानी बना रहे हैं। अब मसाले के ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज जिसको हमने बचा के रखा था, और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्चें भी जो है वो स्लीट करके डाल सकते हैं। उसके ऊपर से हम डाल देंगे वापस से चावल। तो यहाँ पे मैं आधे चावल डाल रही हूँ, आधे चावल हम बाद में डालने वाले हैं। और अगर बीच बीच में अगर ये थोड़े गर्म मसाले आते हैं तो इनको निकाल दें, क्योंकि अगर ये खाते वक्त प्लेट में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तब इसमें हम डाल देंगे आधे चावल, और उसके ऊपर से हम वापस से डाल देंगे बाकी का बचा हुआ मसाला। ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें तो ये मसाले को पाव से, रोटी से या पराठे से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पूरा जो मसाला है वो अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर वापस से हम फ्राइड जो अनियन डाल देंगे और पुदीना और हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर से, और इसके ऊपर से हम डाल देंगे वापस से चावल। तो अब जो मेरे पास बाकी का चावल बचा हुआ है मैं सारा इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसमें पूरा 1 किलो की बिरयानी आ जाती है मेरे बर्तन में। तो मैंने इसमें पूरा चावल डाल दिया है, और अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा तंदूरी कलर, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाए। और जो मसाला है इसकी कंसिस्टेंसी जो है आप चेक कर लें, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, वरना स्टीम आने में बहुत टाइम लग जाएगा और फिर मसाला और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अब इसके ऊपर से मैंने डाला ऑयल जिस पे मैंने चिकन फ्राई किया था, तो ये जो ऑयल का जो फ्लेवर है चावल में बहुत अच्छा आएगा। इसके ऊपर से हम वापस से फिर फ्राइड अनियन डाल देंगे, और फिर हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे इसके ऊपर से। अब बीच बीच में हम थोड़े से 4-5 होल्स बना लेंगे चम्मच के डंडे से, ताकि जो स्टीम है वो जल्दी से ऊपर आ जाए। अगर आपके चावल थोड़े से कड़क रह गए हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा गर्म पानी आधा कप के करीब ऊपर से स्प्रिंकल करके फिर दम पे लगा दें। अब यहाँ पे मैंने सिल्वर फॉइल से इसको कवर कर दिया है, आप चाहें तो इस पर न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने रख दिया है मोटे बेस का तवा गैस के ऊपर, और गैस को मैंने फास्ट ही रखा है, 5 मिनट तक हम फास्ट पे रखेंगे। उसके बाद मैं गैस को स्लो करके हम कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, और आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और स्मोकी जो बिरयानी है, चिकन टिक्का बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, और आप जब भी बिरयानी को निकालें तो आप इसको बिल्कुल भी मिक्स ना करें। अगर आपको मसाला निकालना है नीचे से तो पहले आप ऊपर से चावल जो है उसको साइड में कर दें, या फिर अलग बर्तन में निकाल लें और उसके बाद में फिर आप मसाला निकालें, तो इससे आपकी जो लेयर है वो टूटेगी नहीं। चलिए, इसको हमने निकाल दिया है प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी बनके तैयार हो। अब आप इसमें इंजॉय करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।